अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम NEST का जो एंट्री टेस्ट होता है 2019, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो आप सबको पता होनी चाहिए वो आपको बताऊंगा। तो NEST की जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ है 2019, उसका मैंने आगाज़ कर दिया है। ये उसकी पहली वीडियो है, इसमें सिर्फ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। तो बाकी फिर सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स एंड ट्रिक्स और आपके सवालों के जवाब इसी माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह दिए जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ उसी के ऊपर होंगी। और अगर आपको किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, आपको उसी मखसूस टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले तो 2019 का जो एंट्री टेस्ट है वो आई थिंक सो के दिसंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट होगा। तो उसमें 200 MCQs होते हैं, ठीक है, और एक नंबर का एक MCQs होता है और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती और थ्री आवर्स का टोटल टेस्ट होता है। और 3 आवर्स का टेस्ट, इसका मतलब 180 मिनट और 200 MCQs, तो तकरीबन एक MCQs के लिए 54 सेकंड्स का टाइम आपके पास होता है। तो 54 सेकंड्स है वो इनफ टाइम होता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी तैयारी अच्छी हो। प्रैक्टिस और तैयारी किस तरह करनी है ये भी इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। और उसके बाद मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और IQ, ये 5 पोर्शन होते हैं। मैथ का 80 मार्क्स का, फिज़िक्स का 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 30 मार्क्स का, इंग्लिश का 20 मार्क्स का और IQ का 10 मार्क्स का। ये 200 मार्क्स के हो गए और एक एक ही MCQ आता है। तो ये था सारा पैटर्न। इंजीनियरिंग के लिए बिज़नेस के टेक्स्ट का लहदा पैटर्न होता है, उसका दूसरा पैटर्न होता है, उसमें बिज़नेस मैथ आ जाता है, IQ आ जाता है और इंग्लिश आ जाता है और क्वांटिटेटिव आ जाता है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो यही था सब बेसिक तो यही था। बाकी अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना है और आप चाहते हैं कि किसी मखसूस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।